हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। दोस्तों तो आपका स्वागत है इस नए और स्पेशल वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो खास यूट्यूबर्स के लिए खास रहेगा कि दोस्तों जो यूट्यूबर्स रहते हैं उन लोगों को सच में अपना जो यूट्यूब का जो व्यूज़ रहता है उनके बारे में सच में उनको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि कभी मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, कभी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, ऐसे रहते। तो दोस्तों मैं आपको आपको एक बता दूं कि कुछ दिन पहले मेरे ऊपर मेरे चैनल के ऊपर एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मेरे चैनल के ऊपर कमेंट किया था कि मुझे वॉच टाइम जो है वो नहीं अच्छे से पता चला। तो उसके लिए दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ कि दोस्तों जो वॉच टाइम रहता है वो कैसे काम करता है और आपको कैसे बताता है कि लोगों ने आपका वीडियो कितने टाइम देखा। तो दोस्तों लेट सपोज कि आपने 2 मिनट का एक वीडियो बना के उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया और उसके ऊपर एस्टिमेटली आ गए कि 100 व्यूज़ उसके ऊपर आ गए। तो दोस्तों एट दैट टाइम अगर लोगों ने पूरा वीडियो देखा रहेगा 100 के 100 गुना, मतलब 100% अगर वीडियो देखा रहेगा बिना स्किप किए, तो जो आपका एस्टिमेट वॉच टाइम आएगा वो आएगा 200 मिनट्स। क्योंकि जो मतलब दोस्तों कि एक्चुअली मतलब जो व्यूअर्स है उन्होंने क्या किया कि एक भी स्किप नहीं किया पार्ट और 2 मिनट देखे गए, वो वीडियो कम्प्लीट देख लिया। तो ऐसे 100 लोगों ने किया, इसकी वजह से दोस्तों 2 × 100 आ गया 200 मिनट्स का वॉच टाइम। तो दोस्तों सेम केस नहीं बोलूँगा मैं, अगर ऐसी केस टू में कैसा हुआ कि आपने समझिए 10 मिनट का वीडियो बनाया और उसके ऊपर आ गए 50 व्यूज़, फिर भी 50 व्यूज़ आ गए, फिर भी आपने 10 मिनट का वीडियो बनाया इसके लिए आ गए आपके 500 वॉच टाइम। लेकिन दोस्तों आपने जो 10 मिनट का वीडियो बनाया अगर वो देख समझिए कि वो जो 10 मिनट का वीडियो वो लोगों ने देखा आधा, यानी कि 500 मतलब 5 मिनट, तो और उसके ऊपर 50 व्यूज़ आए तो 5 × 5 = 25 और जो 0 वो 0, मतलब 250 मिनट्स लोगों ने देखा उस वीडियो को। मतलब ये आपको इन शॉर्ट क्या बताता है कि जो वीडियो है आपने बनाया है वो लोगों ने कितने देखा, मतलब हाफ़ देखा, पूरा देखा, मतलब हाफ़ देखा, 3/4 देखा, आधा ही देखा, ऐसा मतलब उसके ऊपर ये वॉच टाइम काम करता है। इन शॉर्ट अगर आप एक यूट्यूबर हो और आपको पता करना है कि मेरा जो वीडियो वो लोगों ने कितने बार देखा है, अगर समझिए आपका जो वॉच टाइम है और जो ये है व्यूज़ है वो अगर वॉच टाइम बड़ा रहेगा और व्यूज़ अगर छोटे रहेंगे, समझिए अगर व्यूज़ है 10 और वॉच टाइम है 20, तो समझ लीजिए कि आपका जो वीडियो है वो पूरा देखा गया है, समझ लीजिए। ओके तो ये हो गया। मतलब इन शॉर्ट में आपको बताऊँगा कि जो व्यूज़ है और मिनट है, व्यूज़ और जो वीडियो का मिनट है, लेंथ है, वो मल्टीप्लाई कीजिए, आपको वॉच टाइम मिल जाएगा, मतलब वॉच टाइम मिल जाएगा ऐसा होगा। अगर जो वॉच टाइम अगर आपको वो देखना है तो आप जाइए यूट्यूब स्टूडियो ऐप में अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, वहाँ पे आपको 3 दिखाएंगे एनालिटिक्स, एक रहेगा वॉच टाइम, एक रहेगा व्यूज़ और नीचे कुछ तो रहेगा मुझे नहीं पता एक्चुअली, और ऐसा दिखाएगा। अगर आपको वो डिटेल में देखना है आपका वॉच टाइम, तो आप उसके ऊपर जो व्यू मोर नीचे ब्लू कलर में लिखा रहेगा उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आप जाएंगे ओवर रिव्यू रेवेन्यू, उसके बाद इंटरएक्टिवेट एड्स ऐसा कुछ तो रहेगा। तो दोस्तों आपका जो ओवर रिव्यू है वो डिफ़ॉल्ट है, उसमें आप कभी भी जाइए तो वो उसमें ही जाएगा। तो दोस्तों जो वॉच उधर ना आप ज़रा नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे आपको वॉच टाइम दिखाई देगा, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा लास्ट 7 डेज, लास्ट 28 डेज, और रियल टाइम 48 आवर्स, रियल टाइम 60 मिनट्स, ऐसा आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों उस एरो के ऊपर क्लिक करना है खाली, और उसमें आपको लाइफ टाइम के लिए सेट करना है, मतलब लाइफ टाइम के ऊपर क्लिक करना है, वो बाद में डिफ़ॉल्ट में आ जाता है, उसमें आपको खाली लाइफ टाइम के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको जो चैनल, मतलब आपने जब भी चैनल लॉन्च चैनल ओपन किया उससे उसी दिन तक, जिधर जब भी आपने वो वॉच टाइम खोला तब तक आपको वॉच टाइम का ग्राफ पूरा दिखाई देगा, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए, वैसे आपको वॉच टाइम दिखाई देगा। तो आई थिंक सो आपको पता चला रहेगा कि वॉच टाइम क्या रहता है और कैसे काम करता है। अगर आपको पसंद है तो लाइक करो, और अगर आपका एक दोस्त है यूट्यूबर जिसको वॉच टाइम के बारे में नहीं पता है तो उसको शेयर कीजिए ज़रूर से ये वीडियो। और आई बटन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि मोनेटाइजेशन पॉलिसी में कैसे चेंजेस आए। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय।